ये है पोर्श की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। हमने टेस्ला, ऑडी, इलेक्ट्रिक साइकिल सब ट्राई कर रखा, बट ये थोड़ा सा गर्म मामला है। जिन्हों पता नहीं, पोर्श एकदम हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार बनाते हैं और ये इस ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है। सबसे पहली चीज, चाबी भाई पूरी ऐसी गाड़ी वाली शेप में, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, एक डिक्की खुल जाती है, एक से फ्रंट का हुड खुल जाता है, हाइड्रोलिक हुड है, कुछ है नहीं भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंजन ही नहीं होता। अगर पूरा डिजाइन देखोगे काफी हद तक पोर्श की रेगुलर स्पोर्ट्स कार जैसी फील देता है। जो हेडलाइट है वो भी काफी शार्प है और ऐसा लग रहा है ऐसे थोड़ा सा काटने वाली है। फ्रंट साइड में पूरा शीशा लगा है और पूरा जो टॉप है वो एक्चुअल ग्लास का बना है, वैसे है टिंटेड और खुल नहीं पाता है, बट ऊपर का पूरा माल दिखता है हर टाइम। बैक साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्श एक्चुअली एक लाइट है, नीचे लिखा हुआ है टाइकान टर्बो, और टाइकान टर्बो इस गाड़ी का नाम है। बैक साइड से वो लुक है, काफी जो पोर्श की गाड़ियां आती हैं उसी की जैसे। यहाँ पर खोलेंगे तो एक बटन लगा हुआ है, डिक्की खुल जाती है, जैसे कि देख सकते हो भाई अच्छी खासी मोटी हट्टी कट्टी तार है, बट इसी वजह से जब आप इसको सुपर चार्जर से चार्ज करते हो तो एक घंटे में 100% चार्ज हो जाती है, जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए काफी बड़ी बात है। पीछे की साइड से है थोड़ी बहुत चीजें, 12 वोल्ट का अडाप्टर है, वहाँ पे मेटल की प्लेट्स हैं कि अगर आपको कुछ उठाना धरना हो। ऑफ कोर्स हाइड्रोलिक ओपन क्लोज जाता है। लेफ्ट साइड में भी चार्जिंग वाला पोर्ट है और ये सेम पोर्ट राइट साइड भी है। आप सोच रहे हो कैसे दबा हुआ कुछ नहीं खुलता, इसको एक्चुअली बस ऐसे टच करना होता है और ये ऑटोमेटिकली ऐसे खुल जाता है, पर ऐसे टच करके बंद भी हो जाता है। काफी बड़े बड़े डिस्क ब्रेक है और इसका एक्चुअल जो टायर है काफी ज्यादा बड़ा है। जो इसके हैंडल भी है ये भी ऑटोमेटिकली खुल बंद हो जाते हैं। आप सोचो इन हैंडल्स की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, ये हैंडल बाहर निकले अंदर जाए किसको फर्क पड़ रहा है, बट एक्चुअली जब गाड़ी चलती है, हम भी चलते हैं ना, कान है हमारे तो ऐसे सर सर हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो कान ठंडे हो जाते हैं, वो अड़ते हैं ना हवा के बीच में, इसीलिए ठंडे हो जाते हैं। और सेम चीज हैंडल्स का भी, हवा पड़े जा रही सर 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 सर, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से गाड़ी स्लो होती है, इसीलिए हैंडल्स अंदर चले आते हैं, उससे गाड़ी बहुत ही हल्का सा वो ज्यादा फास्ट हो जाती है, थोड़ी एरोडायनेमिक हो जाती है, और यही एरोडायनेमिक गाड़ी में हर जगह दिखता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये काफी बड़ा एग्जॉस्ट वेंट है, फ्रंट से जो हवा आती है वो यहाँ से निकलती जाती है और काफी सारी गाड़ियों में दिखाने के लिए लगाते हैं, बट ये एक एक्चुअल स्पोर्ट्स कार है जिसमें ये काम काफी बढ़िया से करता है। स्मार्टफोन के अंदर हेडफोन जैक कटाया जा रहा है, फोन के डब्बे से चार्जर गायब करा जा रहा है, और गाड़ियों में होल से छेद होते हैं जिनसे धुआं निकलता था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धुआं नहीं निकलता। एक चीज और भी आप नोटिस करोगे, जो कांच है इसके ऊपर ऐसे कोई बॉर्डर नहीं है, इसके लिए होता क्या कि जैसे गाड़ी को खोलते हो तो कांच हल्का सा नीचे हो जाता है और जैसी गाड़ी बंद करते हो उसके बाद धीरे से ऊपर जाता है। अंदर घुस के देखते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी, क्या क्या मसाला अंदर ऐड करके। लेट्स गो। गाड़ी में सब अप डाउन लेफ्ट रहता है, जैसे सीट है, सीट अभी नीचे हो रही है, ऐसे पीछे करना, ओ भाई पीछे हो गया, हेडरेस्ट मेरे को आगे पीछे करना, इसको ऐसे पकड़े खींच लिया, उसके साथ कभी फोन चार्ज करने मन करे तो ऐसे ऐसे साइड में अटक जाता, मतलब ऐसे नहीं डालना था, उल्टा ऐसे डालता है, उसके बाद चार्जिंग शुरू। और बाकी सारी चीजें जैसे जो कप होल्डर है, स्क्रीन यहाँ पे है सामने, ऐसे पूरी कवर्ड वाइल लगा रखी, ये सब सेम रहता है भाई, ऊपर से निकालो, ऐसे लाइट जलाओ, देखो अपना चेहरा, वो भाई वाह। क्योंकि एक्चुअली एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, ऑल्दो एक प्रीमियम गाड़ी लगती है, बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, एक स्पोर्ट्स कार हिसाब से बनाई होती है जिससे वो परफॉर्मेंस पे फोकस हो पूरा। सस्पेंशन थोड़ा टाइट रहता है, झटका हटके लगते हैं, और एक्चुअल सीट मतलब थोड़ी सी टाइट रहती है कि मतलब अगर आप पीछे झटका खाओ तो ऐसे सीट के अंदर बंद के रह जाओ, इसी वजह से साइड से इसके पंख वंख भी निकले। मोड वोड भी काफी सारे भाई, ड्राइव मोड में इसमें ये चेंज कर लो, मोड कर लो, रेंज में डालना है, नॉर्मल में डालना है, स्पोर्ट में भाई बाहू, स्पोर्ट प्लस में, ओहो हो पैसा बचाना है हम लोग तो हम स्पोर्ट प्लस में चला लेंगे क्योंकि टाइम इज मनी। बाकी सारी चीजें जैसे चासी भी है, चासी हाइट में ऊपर बढ़ा सकता हूँ, तो ये अब देखो उठने लगी ऑटोमेटिक, कम करने तो मैं कम भी कर सकता हूँ। और इसमें एक फीचर है इलेक्ट्रिक स्पोर्ट साउंड करके, इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं होती। कैमरा मेरा देख लो भाई यहाँ से, ओ जूम जूम करके फ्रंट का देखना, बैक साइड का देखना है, स्टीयरिंग भी हो जाता भाई आगे भी चल, ऊपर नीचे हो जाता। इसमें फ्रंट में काफी बड़ा सा डिस्प्ले, बीच में भी एक डिस्प्ले, वहाँ पे भी डिस्प्ले, फोन वोन सब कनेक्ट हो जाता है। पर एसी में जैसे मैं बता रहा था, इसमें मेन्यू पे जाएंगे एसी में, देखो अब एसी में आपको चेंज करना, पर नीचे लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं, इस वाली की हवा लेफ्ट करनी है, राइट जानी है, सब मेरे कंट्रोल में। मेरे को ऐसे थोड़ी आदत है, ऐसे वेंट वेंट हो जाते थे सही, बट कोई दिक्कत नहीं यार। गियर चेंज करना है तो बटन ऊपर नीचे कर लो, ये लो ये लो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस गाड़ी का ये घड़ी, डिजिटल प्लस एनालॉग, यहाँ पे भी टाइम दिख रहा है, यहाँ पे भी टाइम दिख रहा है, 2:24, मैं जहाँ पे भी देखू मुझे समय की कीमत का समझ आएगा। भाई अब चलाते हैं भाई गाना, दोस्तों जैसे कि आप सुन सकते हो एसी की आवाज आ रही है, इसके अलावा अगर मैं एसी बंद कर दूं तो आपको कोई भी आवाज सुनने के लिए नहीं मिलेगी, एकदम ही शांत फील होता है, ऐसा है कि लाइक कोई आवाज ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और ये स्पीड वगैरह है एकदम ऑनेस्ट बताऊं, सस्पेंशन ठीक ठाक है, ड्राइविंग काफी हद तक भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होती है। अब बस पेडल पे हल्का टच करो, ये 60 पहुंच जाती है। अभी ये गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है, पता भी नहीं चल रहा। 0 to 100 ट्राई करते हैं, लेट्स गो। तो 1, 2, 3 भाई बहुत ज्यादा तेज भागती है यार, अभी 40 की स्पीड पे है, अगर मैं एक्सेलरेटर दबाता हूं ना, बहुत ही ज्यादा तेज भागती है।
इस गाड़ी को 0 से 100 करने के लिए बस 3 सेकंड चाहिए। अगर 0 से 100 कोई गाड़ी 5 सेकंड के अंदर कर देती है तो बहुत ही ज्यादा तेज मानी जाती है। 3 सेकंड के अंदर आपको लिटरल ऐसा फील होता है कि आप एक एरोप्लेन में बैठे हो। जैसे मैं अगर इस पे समझ लो ब्रेक मारता हूँ ना, तो एक्चुअली ग्रीन सा होता है और इसका मतलब यह है कि ब्रेक्स की वजह से बैटरी रीजनरेट हो रही है और ऑटोमेटिकली ये मतलब चार्ज होती जा रही है गाड़ी की स्पीड है उसकी वजह से। यूजुअली होता क्या है, जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है उसको इतनी ज्यादा स्पीड फील नहीं होती क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है, बट इसमें जितनी भी स्पीड है जो कुछ भी है वो भाई सब फर्स्ट हैंड फील होता है। बट इस वाली कार के अंदर एक एक्चुअल एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रखा है, इसमें एक्चुअल स्पीकर से आवाज बजती है जब इस गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो। जैसे अभी ये देख सकते हो भाई नॉर्मल स्पीड ब्रेकर भी इसमें काफी झटके से लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि लाइक इस गाड़ी को बनाया गया कि लाइक ये थोड़ा सा तेज चले और ये चलती है बहुत तेज। जब भी आपकी नॉर्मल गैस वाली गाड़ी होती है तो उसमें होता क्या है, इनिशियल पिकअप में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसमें मतलब ऐसे इंजन वो घूमना शुरू करता है, व्हील मील सारी चीजें के बाद वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है। इसमें क्या है, जैसे ही आप पेडल मारते हो पूरा ही टॉर्क एक बार में लगता है तो एकदम से एक बहुत ही बड़ा सा झटका लगता है और इसका इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, 700 BHP के ऊपर इसके अंदर है और उस सारा एक पेडल के फोर्स पे आपको फील होता है। और होता क्या है कि पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर ना ऐसे गियर वेयर भी चेंज होते हैं, पहले 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गियर डलते हैं तो उसके लिए गियर चेंज करते टाइम ना एक्चुअल थोड़ी गाड़ी स्लो हो जाती है। इसमें वो नहीं होता, एक बटन दबाया और आगे बढ़ रही है गाड़ी। मैं मतलब ये पहली गाड़ी है जिसको मतलब पेडल दबाने से डर लग रहा है भाई मेरे को। भाई इसमें कलर भी चेंज आता है रात में, ऑरेंज करना हमको ऑरेंज पसंद है, ब्लू करनी ब्लू, ग्रीन करनी ग्रीन। बट भाई फाइनली इतना था इस वाली वीडियो के ना, होपफुली आपको पसंद आई है। हमने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस कार को स्पेशल बनाती है एज एन इलेक्ट्रिक कार। पोर्श की ये पहली थी और काफ़ी सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें उन्होंने ट्राई करी, काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जैसे जो स्मार्ट है, ऑटो ड्राइविंग वाला फीचर है, ऑटो पायलट है, वो मेरे को थोड़े से कम लगे। बट एज एन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जब आप इसका हैंडल पकड़ते हो और इसका एक्सेलरेटर मारते हो तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली भाई नेक्स्ट लेवल है। ये कार वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट कारों में से एक है और मतलब इसको एक सड़क पे चल पा रही है काफी कंफर्टेबली, वो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस स्पीड पे जो गाड़ियां चलती हैं वो स्पीड ब्रेकर तक पार नहीं कर पाती। बट भाई पोर्श ने डेफिनेटली कमाल की चीज बनाई है और हमको इसको ट्राई करने में काफी मजा है। होपफुली आपको देखने में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।